पक्षियों की फोटोग्राफी करने वालों के लिए राजस्थान के बीकानेर में स्थित जोड़ भीड़ गिद्ध संरक्षण क्षेत्र किसी स्वर्ग से कम नहीं है। भारत के अधिकांश भागों से लुप्त होते हुए गिद्धों के लिए यह एक जीवन रेखा के समान है। भारत में जो कुल 9 प्रजातियां हैं उसमें से 7 प्रजातियों के गिद्ध है वो यहाँ पर विंटर में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इजिप्शियन वल्चर जो है वो पूरे वर्ष भर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इजिप्शियन, व्हाइट बैक्ड, यूरेशियन ग्रिफॉन, लॉन्ग बिल्ड, सिनेरियस इत्यादि यहाँ पाए जाने वाले गिद्धों की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। अधिकांश तो वल्चर की प्रजातियाँ हैं, जैसे हिमालयन ग्रिफन है और दूसरे बड़े वल्चर हैं। वो अधिकांशतः शीतकालीन प्रवास यहाँ पर करते हैं। दीपावली के आसपास वो आना शुरू होते हैं और ग्रीष्मकाल के आरंभ में यानी कि होली के आसपास वो पुनः प्रवास करना यहाँ से शुरू कर देते हैं। जो वल्चर यहाँ पे आते हैं उनमें से भी हमने कई बार देखा है कि कुछ वल्चर्स हैं वो यहीं पे रह जाते हैं पूरे साल भर के लिए। सिनेरियस वल्चर भी एक दो बार यहाँ पे पूरे साल भर के लिए रहे हैं। हिमालयन ग्रिफन के भी कुछ छोटे छोटे फोक हैं वो यहाँ पे रह जाते हैं कुछ। तो इस तरीके से साल भर भी आपको यहाँ पे छोटे छोटे फोक्स तो देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुतायत में जो आपको देखने को मिलेगा वो विंटर सीजन में देखने। यहाँ अन्य शिकारी पक्षियों की भी भरमार है। पेड़ों पर एक साथ बैठे हुए अनेक स्टेप ईगल यहाँ दिखाई देते हैं। ऐसा दृश्य शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहाँ पे स्टेप ईगल है, इंपीरियल ईगल है, फाल्कन में लेगर फाल्कन है और भी अन्य जो फाल्कन है वो यहाँ पे बहुतायत में आपको देखने को मिलते हैं। माइग्रेट भी करते हैं और कुछ यहाँ पे लगातार रह रहे हैं। जैसे स्टेप ईगल है आपको वर्ष भर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मुख्यतः ये शिकारी पक्षी है और जिनके लिए यहाँ पे जर्बिल है, स्पाइनी टेल लिजार्ड है या रेप्टाइल की अन्य प्रजातियाँ हैं और छोटे वन्य जीव जैसे खरगोश आदि हैं वो बहुतायत में हैं, तो उन पे वो डिपेंड करता है और शिकार करके आसानी से यहाँ पे उनको बहुतायत में शिकार मिल जाता है। क्योंकि प्लेन एरिया है डेजर्ट का और जो वन्य जीव बिलों में रहते हैं बिलों से बाहर पानी पीने के लिए अपने भोजन की तलाश में आते हैं और पक्षियों के लिए वो आसानी से उनको शिकार उपलब्ध हो जाता है। तो पूरा इकोसिस्टम है वो बहुत ही बैलेंस्ड वे में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अफगानिस्तान से आने वाले पीली आंख कबूतरों के यहाँ झुंड के झुंड उड़ते हुए दिखते हैं। आंख के चारों ओर एक पीला घेरा और सफेद रंग की पूंछ के कारण यह आम कबूतर जिसे रॉक पिजन कहते हैं से अलग दिखते हैं। पक्षियों की फोटोग्राफी के लिए जो भी दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए तो ये एक स्वर्ग के समान है, क्योंकि वल्चर की जितनी प्रजातियां यहाँ पे आपको एक साथ देखने को मिलती है ईगल एवं वल्चर की उतनी आपको भारत में शायद ही कहीं देखने को मिले। दूसरे साथ ही यहाँ पे टोपोग्राफी जो कि बहुत ही प्लेन है, तो थोड़े से ऊँचे एरिया पर आप जाके आसानी से दूरी पर बैठे बर्ड्स का भी फोटो बहुत आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डेजर्ट इकोलॉजी के अन्य पक्षी भी हैं और माइग्रेटरी बर्ड्स जो माइग्रेट करते हुए दूसरे स्थानों पे जाते हैं वो भी कई कई समय यहाँ पे गुजार के फिर आगे बढ़ते हैं, तो उन पक्षियों को भी आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। मृत पशुओं के लिए यहाँ डंपिंग ग्राउंड है। गिद्ध और अन्य पक्षी मृत पशुओं को खाकर इस क्षेत्र की सफाई कर देते हैं। कुत्तों के झुंड इन पक्षियों के साथ भोजन साझा करते हैं। गिद्ध जैसे कि मृत पशुओं पे ही अपना जीवन यापन करते हैं। जोड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व में जो भी वन्य जीवों की प्रजातियाँ मृत हो जाती है उनके शरीर से भी इनको भोजन मिल जाता है। उसके अतिरिक्त जो नगर निगम बीकानेर है उनके द्वारा पूरे नगरीय क्षेत्र से जो भी मृत पशु हैं इकट्ठा किए जाते हैं उनके लिए एक डंपिंग स्टेशन यहाँ पर बनाया हुआ है। उसमें वो सारे मृत पशु डाले जाते हैं और उससे उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन सुलभ हो जाता है। इंडियन डेजर्ट जर्ड यानी रेगिस्तानी चूहा यहाँ बहुतायत में पाया जाता है। एक मुख्य स्पेसीज जो यहाँ पे पाई जाती है वन्य जीवों की उनमें है डेजर्ट फॉक्स, जो कि थार पारिस्थितिकी तंत्र में ही केवल यहाँ पे पूरे भारत में पाई जाती है, एंडेमिक प्रजाति है यहाँ की।
चूँकि थार रेगिस्तान का क्षेत्र है और गर्म जलवायु होने के कारण जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनमें पूरे वर्ष भर जल की उपलब्धता वन्य जीवों के लिए नहीं रहती है, इसलिए कई स्थानों पर कृत्रिम जल स्रोत भी वन विभाग द्वारा निर्मित किए गए हैं जिनमें पाइपलाइन द्वारा अथवा टैंकर द्वारा जल उपलब्धता वन्य जीवों के लिए सुनिश्चित की जाती है। पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए जोड़बीड़ एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में जाना जाने लगा है।